बारिश हो रही है, फिर वही रात में चल रही है। जय हिंद दोस्तों, एक और नई जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हमारी यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 12420 गोमती एक्सप्रेस में। हम यात्रा कर रहे हैं नई दिल्ली से कानपुर सेंटर तक। जैसा आप जानते हैं कि गोमती एक्सप्रेस का रैक आगरा इंटरसिटी के साथ तैयार किया जाता है। इंटरसिटी के देरी से आने के कारण हमारी ट्रेन को 1 घंटे की देरी से रिशेड्यूल किया गया है। आप आगरा इंटरसिटी कह सकते हैं या गोमती एक्सप्रेस का अराइवल देखिए। मैं मिलता हूँ आपको डिपार्चर के टाइम पर। नई दिल्ली स्टेशन पर आपको सभी प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का सामान आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो इनसे सामान कैरी कर सकते हैं। के साथ प्लेटफॉर्म 13 पर ट्रेन नंबर 02570 न्यू दिल्ली दरभंगा स्पेशल की संपिंग की जा रही है, जो 12:15 दरभंगा के लिए यहाँ से रवाना हो जाएगी। शेड्यूल टाइम से 1 घंटे की देरी से हमारे ट्रेन को डिपार्चर मिल जाता है। चलिए दोस्तों आप डिपार्चर देखिए। हमारे साथ एक ट्रेन का और डिपार्चर दिया गया है, इसके साथ पैरेलल रेस भी देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप कर देखिए कि पैरेलल रेस कैसी लगती है। यह ट्रेन निजामुद्दीन होते हुए मथुरा के लिए चली जाएगी और गाजियाबाद रूट पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखते हैं कब तक पैरेलल रेस देखने को मिलती है। गोमती एक्सप्रेस और चंडीगढ़ कोचुवेली दोनों साथ साथ चल रही है। देखते हैं कहाँ तक एक साथ जाती है।
इसी बीच शिवाजी ब्रिज पे हमारी मुलाकात रांची गरीब रथ से होती है, जो 2 घंटे की देरी से चल रही है। एक बार फिर केरला संपर्क क्रांति हमको पीछा करते हुए हमारे साथ में चलने लगी, और देखिए इसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है, हो सकता है कि हमको यहीं पर ओवरटेक करके आगे निकल जाए। चलिए देखते हैं, मज़ा लीजिए आप पैरेलल रेसिंग का। अभी तक हमने उसको ओवरटेक कर लिया है, अब वो अलग रूट पर चली जाएगी। यहाँ से हम गाजियाबाद रूट पर बढ़ने वाले हैं और चंडीगढ़ कोचुवेली संपर्क क्रांति मथुरा रूट पर निकल जाएगी। वहाँ से कोटा होते हुए आगे का रास्ता तय करेगी। आप ट्रैक साउंड का एंजॉय कीजिए, हाई स्पीड स्टेशन के स्किप भी देखिए। मैं आपको मिलता हूँ गाजियाबाद के अराइवल पर। मैदान आज के
आनंद या टर्मिनल की तरफ एक हम सफर एक्सप्रेस जा रही है। यदि आप लोगों को पता हो इस ट्रेन की कौन सी ट्रेन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक नज़र अपनी ट्रेन की तरफ देखते हैं। ये आ चुके हैं साहिबाबाद। साहिबाबाद में हमारी क्रॉसिंग होती है गया आनंद या टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। खड़ी थी जो कि गया से आई हुई है, जा रही है आनंद विहार की तरफ जा रही है। हमारी गोमती एक्सप्रेस आके खड़ी हुई है और ये यहाँ से ये देखिए ट्रैक से एक तो गलती कर रहे हैं, ट्रैक से इस तरह ऊपर के चढ़ना नहीं चाहिए। साहिबाबाद तक आने का लगभग 20 मिनट टाइम लगा। आप लोग वो देख सकते हैं रैपिडेक्स ट्रेन का ट्रैक और रैपिडेक्स ट्रेन जा रही है। किस किस ने रैपिडेक्स ट्रेन में यात्रा की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Thank you.
फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। हम 25 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने पहले हॉल्ट गाजियाबाद 1 घंटे 5 मिनट की देरी से पहुंच जाते हैं। ये गाजियाबाद से मथुरा तक जाती है ICR लोकल ट्रेन है, नॉर्थन रेलवे लिखा हुआ है। गाजियाबाद जंक्शन यहाँ पे हाल है। यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है दिल्ली से आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की। यदि गाजियाबाद स्टेशन की बात करें तो यह एक स्टेशन नॉर्थन रेलवे के दिल्ली डिवीजन में आता है। इसका कोड GZB है। यहाँ पर डेली 200 से ज़्यादा ट्रेन आकर रुकते हैं। इसके अलावा यह लोकल ट्रेन का एक हब भी है। यह एक जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन कानपुर की तरफ जाती है, इसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक लाइन मेरठ सिटी की तरफ जाती है और एक लाइन बरेली होते हुए लखनऊ के लिए भी निकल जाती है। जैसा मैंने आपको कहा, गाजियाबाद में हमारी मुलाकात लखनऊ से आने वाली ट्रेन नंबर 12419 गोमती एक्सप्रेस से भी हो जाती है। यह ट्रेन गोमती लखनऊ से चलने के बाद दिल्ली की तरफ जा रही है और हम दिल्ली से आ रहे हैं। गाजियाबाद से कुछ दूरी के बाद फिर अम्बाला इंटरसिटी एक्सप्रेस हमसे आगे निकल जाती है और अम्बाला एक्सप्रेस को मेरठ की तरफ बढ़ना है जबकि हमको कानपुर लाइन पे आके जाना है।
खाने के लिए वेज बिरयानी, चाउमीन, कटलेट, सैंडविच, बर्गर। अरे खाने के लिए ये देखिए, लाओ देना वेज बिरयानी, ये 13.90 रुपए की। देखने में तो ठीक लग रही है। एक घंटे की देरी से हम अपने दूसरे अलीगढ़ जंक्शन पहुंच जाते हैं। यदि अलीगढ़ जंक्शन की बात करें तो एक स्टेशन NCR के प्रयागराज डिवीजन में आता है, जिसका कोड ALJN है। यहाँ पर रोज 100 से ज़्यादा ट्रेन आकर रुकती हैं और ये अलीगढ़ एक जंक्शन स्टेशन भी है। ये एक लाइन कानपुर की तरफ बढ़ जाती है, जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक लाइन मुरादाबाद से आती है, जिस पर बरेली एक्सप्रेस आ गई है। हम हाथरस भी लगभग एक घंटे की देरी से पहुंचते हैं। हाथरस की यदि बात करें तो ये स्टेशन NCR के अंतर्गत प्रयागराज डिवीजन इसे ऑपरेट करता है। यहाँ से 28 ट्रेनें आकर रुकती हैं और एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से कानपुर लाइन के अलावा एक लाइन कासगंज की ओर जाती है, इसके अलावा एक लाइन मथुरा की तरफ भी निकल जाती है। यह टुंडला जंक्शन हमारी ट्रेन का अराइवल एक घंटे की देरी से होता है। ये हमारी ट्रेन का 5वां होल्ट है। यदि टुंडला स्टेशन की बात करें तो ये NCR के प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रोज जाना 150 से ज़्यादा ट्रेनें रुकती है। ये एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली हावड़ा मेन लाइन के अलावा एक लाइन आगरा फोर्ट की तरफ बढ़ जाती है। Thank you.
54 मिनट की देरी से हम अपने आज के छठवें हॉल फिरोजाबाद पहुंचते हैं। यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। यदि फिरोजाबाद जगह की बात करें तो यह मेजर जंक्शन स्टेशन है। इटावा जंक्शन हमारी ट्रेन का अराइवल लगभग 55 मिनट की देरी से होता है। यदि हम इटावा जंक्शन की बात करें जिसका कोड TTW है, यह हावड़ा कानपुर मेन लाइन का मेजर स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर डेली 120 से ज्यादा ट्रेन रुकती हैं, जबकि यहाँ से 9 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 9 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। इसके अलावा इटावा स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म है। यह एक इस लाइन का मेजर जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन दिल्ली हावड़ा के अलावा एक लाइन मैनपुरी की तरफ निकल जाती है। इसके अलावा एक लाइन भिंड ग्वालियर होते हुए झांसी की तरफ बढ़ जाती है। इसके अलावा एक लाइन झांसी पूरी मोड़ होते हुए आगरा की तरफ भी जाती है। इसलिए यहाँ पर आके 5 लाइनें मिलती हैं। यह इस रूट का एक मेजर रेलवे स्टेशन है। कानपुर रूरल डिस्ट्रिक्ट का रूरा एक मेन स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन का अराइवल लगभग 40 मिनट की देरी से होता है। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। अब हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं। चलिए मैं आपको उससे पहले इसका किराया और कोच कंपोजिशन के बारे में बताता हूं। इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग चेयर कार, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के कोच होते हैं। यदि हम दिल्ली से लखनऊ का किराए की बात करें तो सेकंड सीटिंग का कोच किराया होता है 195 रुपीज़, जबकि एसी चेयर कार के लिए आपको देने होंगे 725 रुपये। सेकेंड एसी का किराया इसमें 1250 रुपये और फर्स्ट एसी में यदि आपको यात्रा करना है तो आपको 2075 रुपये देने होंगे। यदि कोच कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक फर्स्ट कम सेकेंड एसी कोच होता है, 2 चेयर कार एसी कोच होते हैं, इसके अलावा 12 सेकेंड सीटिंग कोच होते हैं और 6 जनरल कोच भी इस ट्रेन में यूज होते हैं।
जनरल कोच के किराए की बात करें तो केवल 170 रुपये आपको दिल्ली से लखनऊ के लिए चुकाने होंगे। अब हम पहुंचने वाले हैं हमारे आज के डेस्टिनेशन कानपुर सेंटर। आज हमारी यात्रा कानपुर तक ही होने वाली है, क्योंकि जबकि यह ट्रेन लखनऊ की तरफ बढ़ जाएगी। यदि कानपुर स्टेशन की बात करें तो यह कानपुर सिटी का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का एक मेजर स्टेशन है। यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और डेली यहाँ पर 400 से ज़्यादा ट्रेनें रुकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 36 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 36 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं। जैसा आप जानते हैं, कानपुर एक इंडिया के एक सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके अलावा 4 और सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। कौन कौन से यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस जर्नी में इतना ही। आपको जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई जर्नी में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।